हाय फ्रेंड्स, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उस योजना का जिक्र किया जिसके तहत कोरोना काल में हर गरीब परिवार को मुफ्त में राशन बांटा जाता था। इस योजना को उन्होंने फिर से नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है और इतना ही नहीं, अब हर महीने हर गरीब परिवार को 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और 1 किलो चना दाल भी दी जाएगी, इसकी भी घोषणा की। लेकिन आज उन्होंने अपने संबोधन में एक देश के प्रधानमंत्री का जिक्र किया जिनको उनके ही सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने पर 13,000 का जुर्माना किया। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि कौन से है वो प्रधानमंत्री, तो इसका जवाब है वो है बुल्गेरिया के प्रधानमंत्री बॉयको बोरिसोव। बॉयको बोरिसोव ने एक चर्च को भेंट दी, इस दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहना था। इसके लिए उन्हें उनकी अपनी सरकार के आदेश का उल्लंघन करने के लिए करीब करीब 300 लेवी यानी बल्गेरिया की मुद्रा यानी भारत के लिए करीब करीब 13,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये घटना पिछले हफ्ते 24 जून को हुई। ये खबर वहाँ के एक स्थानीय अखबार में आई थी। इतना ही नहीं, उस दिन उस चर्च में बिना मास्क लगाए आए सभी लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसमें कई पत्रकार, कई फोटोग्राफर भी शामिल है। आप सबको लग रहा होगा कि क्यों इस बात का उन्होंने जिक्र किया। दरअसल उनका कहना था कि अनलॉक वन में भारत के कई नागरिकों ने नियमों का उल्लंघन किया और कई नागरिक बिना मास्क लगाए घूमते नजर आ रहे थे, तो वो इस उदाहरण के जरिए हमारे देश के नागरिकों को समझाना चाहते थे कि बिना मास्क लगाए कहीं पर सार्वजनिक स्थानों पे ना घूमें। आप सबको मेरे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू।